नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और टेस्टिंग के लिए कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और जो लोग हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल के ऊपर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में जब भी कोई नया ब्रेकर खरीद के लाते हैं, नया ब्रेकर इंस्टॉल करने के लिए लाते हैं, तो उसी ब्रेकर का सबसे पहले टेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया होगा ब्रेकर, वो सेम टू सेम ब्रेकर आया है कि नहीं, पहले उसका भी एक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग हो जाना चाहिए। तो पहले दोस्तों, जो नया ब्रेकर आता है उसका एक विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, मैकेनिकल चेक किया जाता है। तो इनमें से हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले तो कोई फिजिकल डैमेज हुआ है कि नहीं, डिफेक्ट हुआ है कि नहीं, उसके बारे में हमको देखने से ही पता चलेगा। तो इसलिए एक विजुअल इंस्पेक्शन कर दीजिए पूरा ब्रेकर का, साथ ही साथ जो नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट का इन्फॉर्मेशन और आपने जो ऑर्डर दिया है ब्रेकर का वो नेम प्लेट उसका मैच करवा दीजिए। उसके साथ जितना सारा बोल्ट आप टाइट कर सकते हैं उन बोल्ट का टाइटनेस चेक कीजिए। हो सकता है कहीं पे ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ लॉक रिमूव हो गया है, लॉक खुला रह गया है, उसको भी आप देखिए। और ब्रेकर का मैकेनिकल इंटरलॉक को चेक कीजिए, ब्रेकर का सही पोजीशन इंडिकेशन ये सब चेक कीजिए। और अगर आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मंगा रहे हैं SF6 ब्रेकर, तो उसका गैस प्रेशर सही है कि नहीं उसको आप देखिए। उसके बाद ब्रेकर को मैनुअली स्प्रिंग चार्ज करके ऑन ऑफ क्लोज ट्रिप कीजिए। तो इतना सारा करने के बाद आपको मालूम हो जाए कि एक्चुअली ब्रेकर सही है या डिफेक्टिव है। तो दोस्तों, विजुअल इंस्पेक्शन करने के दौरान भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं ब्रेकर के बारे में, ब्रेकर सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये हम उसका ऑन ऑफ करके, मैनुअली ऑन ऑफ करके पता कर सकते हैं, और देखने से भी बहुत कुछ पता चला जाता है दोस्तों। तो ये तो गया दोस्तों विजुअल इंस्पेक्शन एंड मैनुअल ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर नया ब्रेकर है तो नया ब्रेकर का टेस्टिंग एंड मेजरमेंट कुछ लेना पड़ेगा, और इंडस्ट्री में भी पुराना ब्रेकर का भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो क्या क्या सब टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, पहले जो फास्ट टेस्टिंग है वो होता है आयर वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। सेकंड जो करते हैं CRM टेस्ट, उसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। थर्ड वाला है टाइमिंग टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा कि CRM टेस्ट क्या है, टाइमिंग टेस्ट क्या है। फोर्थ वाला है रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट, ये कहाँ पे किया जाता है, ये करने से हमको क्या पता चलता है। नंबर 5 है डैम्पिंग गैप, कौन सा गैप को हमें मेजर करना है। नंबर 6 है रोलर गैप, रोलर का भी गैप को हमें मेजर करना है। और लास्ट वाला जो है स्ट्रोक लेंथ। तो ये 7 टेस्ट मिनिमम आपको करना पड़ेगा जब भी हम कोई नया ब्रेकर खरीदें, या हमारा जो इंडस्ट्री में पुराना ब्रेकर है उसका अगर हम टेस्टिंग करेंगे या मेजरमेंट करेंगे, तो इन 7 स्टेप को हमें मेजरमेंट करना है। आयर वैल्यू, CRM वैल्यू, टाइमिंग टेस्ट, रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट, डैम्पिंग गैप, रोलर गैप एंड स्ट्रोक लेंथ। और ये सब करने के लिए हमको क्या क्या सब टूल्स चाहिए, अपराटस क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वाला है CRM किट चाहिए हमको, टाइमिंग किट, मेगर, मल्टीमीटर, फिलर गज एंड वर्नियर कैलिपर, ये हमको सब टूल्स चाहिए होगा मेजरमेंट करने के लिए, चाहे उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हो। CRM टेस्ट के लिए हमें CRM किट की ज़रूरत पड़ेगा, साथ ही साथ टाइमिंग किट भी वहाँ पे होगा। आयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाएगा और मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ जो मेजरमेंट रहते हैं गैप वगैरह का कुछ मेजरमेंट, स्ट्रोक लेंथ, डैम्पर गैप, रोलर गैप, इन सारे का मेजरमेंट करने के लिए हमको फिलर गॉज और वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों फर्स्ट वाला जो टेस्ट था वो था इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, यानी आयर वैल्यू मेजर करेंगे। जैसा कि मोटर एंड ट्रांसफार्मर का हम आयर वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से ब्रेकर का भी हम आयर वैल्यू मेजर करेंगे। फेज टू अर्थ के साथ करेंगे और पोल टू पोल के बीच में भी हम करेंगे आयर वैल्यू मेजरमेंट करेंगे। और आपको मैगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, ब्रेकर का रेटिंग को देखते हुए मैगर का वोल्टेज को हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे कि एलटी ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर का मेगरिंग करने के लिए हमें 1 kV मैगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मैगर करने के लिए हमें 5 kV मैगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जितना वैल्यू सब आ रहा है सो वैल्यू को नोट कर दीजिए। सेकेंड जो टेस्ट है दोस्तों होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, CRM टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसी टेस्ट को करने के लिए आपको CRM किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये टेस्ट क्यों किया जाता है दोस्तों, ये टेस्ट किया जाता है कि जो मेन कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, मेन कॉन्टैक्ट्स का रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। तो ये कैसे करते हैं दोस्त, जैसा कि उसका जो कॉन्टैक्ट्स रहता है, सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है, कॉन्टैक्ट टच हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, फिर उसी टाइम पे वो कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है उसको हम मेज़र करते हैं। तो कैसे मेज़र करते हैं दोस्तों, पहले तो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना पड़ेगा। सर्किट ब्रेकर क्लोज होने के बाद वहाँ पे हमें 100 एम्पियर डीसी करंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। 100 एम्पियर डीसी करंट देने के बाद फिर हम उसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो मेज़र करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप और 100 एम्पियर करंट, फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, और उसको हम नोट करेंगे। ऐसे तीनों पोल का हम कॉन्टैक्ट का मेजरमेंट करेंगे, आर वाई भी तीनों पोल का हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, उसको नोट करेंगे। फिर उसको बाद में हम देखेंगे जो फैक्ट्री सेटिंग हो रहता है, फैक्ट्री क्या अलाउ करता है। मान लीजिए ब्रेकर है, सीमेंस का ब्रेकर है, तो सीमेंस का जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से वो रेजिस्टेंस सही बैठ रहा है या नहीं। ज़्यादातर ये जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आते हैं ये आते हैं माइक्रो ओम में आते हैं, तो उससे वो जो माइक्रो ओम आएगा उसका जो ब्रेकर का जो मैन्युफैक्चर है उसका कुछ लिमिट सेट करता है कि एक्चुअली कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इतना रहना चाहिए। अगर उसी के अंदर ये वैल्यू रहेगा तो हम समझ लेंगे कि इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस सही है, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमको कॉन्टैक्ट्स को क्लीन करना पड़ेगा, उसको फिर दूसरे तरीके से साफ करना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट, और इसको करने के लिए हम CRM किट का इस्तेमाल करते हैं। CRM किट से हम डायरेक्ट पता चलता है कि कितना इसका माइक्रो ओम दिखा रहा है। अगला वाला जो टेस्ट है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट। सर्किट ब्रेकर टाइमिंग यानी सर्किट ब्रेकर जब क्लोज हो रहा है तो कितना फास्ट क्लोज हो रहा है, ओपन कमांड जा रहा है तो कितना फास्ट ओपन हो रहा है, और अगर हम क्लोज करके तुरंत ट्रिप कर रहे हैं तो इसका टाइमिंग क्या रहता है। ये तीनों टाइमिंग को मेज़र करता है, क्लोज टाइम को मेज़र करता है, ओपन टाइमिंग को मेज़र करता है, और क्लोज ओपन, मान लीजिए ब्रेकर शॉर्ट सर्किट है, हम क्लोज करेंगे तो ये तुरंत ट्रिप होगा, तो कितना टाइम में ये ट्रिप होता है, क्लोज ट्रिप, ये तीनों टाइमिंग को ये मेज़र करता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट कैसे किया जाता है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको 3 टाइमिंग का मेजर करना है, क्लोज टाइमिंग, ओपन टाइमिंग एंड क्लोज ओपन टाइमिंग, ये तीनों टाइमिंग का मेजर करेंगे, उसको फिर नोट कर देंगे, और फिर हम मैन्युफैक्चर जो अलाउबल उसका जो लिमिट रहता है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग का जो रेफरेंस रहता है उसके साथ हमारा ये टेस्ट रिजल्ट मैच कर रहा है तो ये टाइमिंग टेस्ट सही है दोस्तों। अगला टेस्ट है रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट। ये टेस्ट क्यों किया जाता है दोस्तों, ये टेस्ट क्लोजिंग कॉयल एंड जो ट्रिपिंग कॉयल रहता है इन दोनों का परफॉर्मेंस को देखने के लिए रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, क्लोजिंग कॉयल को हम कितना वोल्टेज देते हैं, क्लोजिंग कॉयल देते हैं हम 110 वोल्ट डीसी सप्लाई नॉर्मल देते हैं, लेकिन उसका जो 110 डीसी को हम थोड़ा रिड्यूस करके क्लोजिंग कॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर 80%
ऑफ जो रेटेड वोल्टेज रहता है यानी 110 वोल्टेज उसका 80% उसी वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे। अगर उसी वोल्टेज में क्लोजिंग कॉयल सही तरीके से काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग कॉयल सही है। सेम टाइप का हम लोग जो ट्रिपिंग कॉयल रहता है यानी क्लोज हो गया एक बार फिर हम क्या करेंगे, जो ट्रिपिंग कॉयल है ट्रिपिंग कॉयल भी 110 वोल्ट उसका रेटेड वोल्टेज रहता है लेकिन उसको 60% ऑफ रेटेड वोल्टेज 60% ऑफ रेटेड वोल्टेज यानी 110 वोल्टेज का 60% उतना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना वोल्टेज में वो ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर ट्रिप हो रहा है तो मान लीजिए ये कॉयल भी सही है ट्रिपिंग कॉयल भी सही है यानी दोनों कॉयल का परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हमें रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। अगला जो मेजरमेंट लेना पड़ेगा वो होता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो किसका रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, क्लोजिंग कॉयल ट्रिपिंग कॉयल एंड स्प्रिंग चार्जिंग मोटर इन तीनों का हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। क्लोजिंग कॉयल ट्रिपिंग कॉयल एंड स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कैसे करेंगे, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके हम इसका रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर लेके हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे, क्लोजिंग कॉयल का रेजिस्टेंस को मेजर कर देंगे, ट्रिपिंग कॉयल का भी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे और स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को भी हम मेजर कर लेंगे। उसका तीनों का वाइंडिंग का कॉयल को हम मेजर कर देंगे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर उन तीनों को हम जो फैक्ट्री जो अलाउ किया है जो रेजिस्टेंस वैल्यू उसके साथ हम मैच करेंगे। अगर सही मैच कर रहा है तो ये तीनों सही है। दोस्तों ये जो टेस्ट रहता है ये टेस्ट हमको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद जो क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल का जो रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट रहता है इसके बाद करने से इसके अलावा और भी कुछ मेजरमेंट लिया जाता है जैसा कि रोलर का गैप, डैम्पिंग का गैप और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहते हैं वैक्यूम बटल का उसका स्ट्रोक लेंथ का मेजरमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए हमारा अगले वीडियो का, देखते रहिए बोल बुलबुल।